हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं हूँ बिनीता और बिनीता ब्लॉग में आपको स्वागत है। तो आज तो साल का मतलब लास्ट दिन है, तो 21 दिसंबर है। तो कल हो जाएगा नया साल। तो आप सभी को हम दिल से बोलते हूँ, जो आप आने वाला साल है तो आपके लिए सुख और शांति और प्यार आपका मतलब जीवन में भरे रहे, वही कामना करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। तो आज का लास्ट दिन है, थोड़ा सा तो बाहर में पार्टी नहीं किया है, तो घर में ही पार्टी किया है। हम लोग तीन हैं, मम्मी बेटी और मैं, तो तीन में पार्टी किया है थोड़ा सा, तो वही हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। तो चलिए मेरे वीडियो किचन में चलिए मेरे साथ। तो आग में खाना बना रही हूँ, ठंडे के सीजन है तो मैं आग में साथ बैठे बैठे, तो गर्मी हो गया था, स्वेटर भी उतार दिया है। तो अभी आग में जाके बनाएंगे, मतलब चूल्हे पे बनाएंगे, तो चूल्हा का खाना अच्छा होता है। चिकन और मछली बनाएंगे, तो आप देखते रहना मेरा वीडियो को। तो हम बनाने के लिए किचन में जा रहे हैं। तो मम्मी आग जला के रख दिया था, तो ठंड में आग में बनाने के लिए अच्छा लगता है, गर्मी गर्मी फील होता है, तो और खाना भी टेस्टी होता है आग में बना। तो हम लोग मम्मी और मैं बाजार गया था, वहाँ इलिश मांस मिला है, तो इलिश मांस घर पे ले आया। तो आज इलिश मांस बैगन आलू के साथ और चिकन आलू के साथ ओनली। और अभी बनाएंगे, पहले बनाएंगे मछली बनाएंगे। तो हम कढ़ाई लेके अभी मछली फ्राई कर दिया है और सब्जी भी दे दिया है। थोड़ा थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया है, इसीलिए पूरा नहीं देखा पाया। तो बैगन आलू के साथ इलिश मछली मिलता है, तो इसलिए ये सब्जी दिया है। तो थोड़ा सा पानी भी दे दिया है। हम आज दाल खाने के लिए मन नहीं है, तो इसका मतलब कड़ी से ही हम खाएंगे आज खाना। तो ये सब्जी अभी हो ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो मछली की सब्जी हो गया है, मैं दूसरा कढ़ाई पर रख दिया है। अभी बनाएंगे चिकन। तो आलू सब सब्जी काट ही रखा है आगे से, तो अभी बनाएंगे ये सारे मसाला को हम मिलाया है, तो थोड़ा सा पानी देंगे। थोड़ा सा पानी दे के हम मिला लिया है। तो कढ़ाई भी गर्म हो गया है, हमने बना लिया है। देखा आगे से दिखाएंगे, सबको पता ही है चिकन कैसे बनाते हैं। तो अभी मसाला भी हमने दे दिया है, अच्छा से बनना है इसको, चिकन को अच्छे से बनना है। और आलू भी दे दिया है, टमाटर भी दे दिया है, तो चिकन ऐसे ही बुनना है। तो थोड़ा सा बुनने के बाद ही थोड़ा सा पानी देंगे। तो खाना रेडी है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय।